सब्सक्राइब करें किचन विद सना को और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो फ्री में आपके पास पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद सना। किचन विद सना में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स बना रहे हैं। ये कटलेट्स इतने मज़े के हैं, आप इजीली अपने घर में ये बना सकती हैं। हाफ के जी हमने आलू लिए हैं और आलू को हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया और मैश कर लिए। एक कप हमारे पास श्रेडेड चिकन है। सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल किया, फिर इसे हमने श्रेड कर लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसे भी हमने बारीक सा काट लिया है। मीडियम साइज़ की टमाटर और टमाटर के अंदर वाला हिस्सा जो बीज वाला है वो हमने निकाल दिया और ये सख्त वाला हिस्सा जो हार्ड वाला हिस्सा है वो बारीक सा काट लिया। एक अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ओरिगानो पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा और कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आधी प्याली हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है और ये मोज़रेला चीज़, तकरीबन आधा कप हम मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन हमने लिया है, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दी है। इसमें हम श्रेड चिकन डाल देते हैं। मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चिकन पहले ही बिल्कुल तैयार है। 2 मिनट हो चुकी हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं, टमाटर, प्याज अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं। ये काली मिर्च हमने डाल दी है और नमक। इसमें क्रंची क्रंची सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम कुक करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डाल के अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस कम लगे तो आप थोड़ी सी मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। अब मेज़ा बिल्कुल रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इसे हम ठंडा करते हैं। मोज़रेला चीज़ को हम ग्रेट कर लेते हैं। मोज़रेला चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कटलेट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास अमेज़ है, ये आलू हैं और ये चीज़ है। आलूओं को हमने मैश करके इनमें 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिए और आलूओं को बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए। हाथों को हमने अच्छी तरह ग्रीस कर लिए। अब हम थोड़ा सा मेज़ा उठाते हैं। इस तरह से फैला लेते हैं, इस तरह चम्मच के साथ इक्वल कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं चीज़, थोड़ा सा ओरिगानो पाउडर और ये अमेज़ा। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें अमेज़ा डाल दिए। अब फिर से इसके ऊपर हम चीज़ रख देते हैं, ओरिगानो डाल दिए हमने। अगर आप चीज़ डालना नहीं चाहते तो आप चीज़ ना भी डालें, बहुत ही मज़े के चीज़ के बगैर भी कटलेट्स बन जाते हैं। देखिए अब हम कवर करते हैं इन्हें।
इसे बंद करते हैं। हाथों को ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, फिर ये इजीली हमारी कटलेट्स बन जाएंगे। ये देखेंगे हमने बंद किया है, ये देखें इस तरह से हमने ये कटलेट्स बनाया है। इसके ऊपर हम ये थोड़े से आलू मैश ऐसे लगा देंगे और हाथ की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे। ये हमारा कटलेट्स बिल्कुल रेडी है, देखें ये कितना अच्छा सा बन गया है। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। जिस डिश में हमने कटलेट्स रखने हैं इसे भी हमने ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह। अब हम इसमें कटलेट्स रख देते हैं। कटलेट्स बन चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए हमने एक प्लेट क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स, दो हमने अंडे लिए हैं और एक प्लेट हमने मैदा लिए है। अंडों को हम बीट कर लेते हैं अच्छी तरह। अंडों को हमने बीट कर लिया, पहले हम मैदे में कोट करते हैं इस तरह। अब हम अंडे में डालते हैं। अब हम इस पे क्रम्स लगाते हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल कटलेट्स रेडी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। पैन में हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल को अच्छी तरह हमने गर्म किया है और फिर फ्लेम हमने मीडियम कर दिया। तेज़ फ्लेम पे हम बिल्कुल भी कटलेट्स नहीं डालेंगे। देखिए जी, कटलेट्स हमने डाल दिए, बस इसे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, दो दो करके हम फ्राई करेंगे। दो से तीन मिनट में कटलेट्स जो हैं फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करते हैं। कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं। आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये बना लिए हैं और ये इतने मज़े के हैं। आप एक दफ़ा इन्हें बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर आप कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये कटलेट्स आपको कैसे लगे हैं। आपको मार्केट में भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये कितने चीज़ी हैं और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।